हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 27 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को लेके, मतलब वित्तीय समावेशन सूचकांक है, वो अभी पब्लिश किया गया, तो उसको लेके इंडेक्स न्यूज है वो आई है। देखो, कंटेक्सट ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड सर्विसेज जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, उसके द्वारा बेसिकली वित्तीय समावेशन सूचकांक है वो अभी पब्लिश है, वो किया गया है। अब ये इंडेक्स क्यों पब्लिश किया गया है, क्या इसके बेनिफिट होंगे और कौन कौन से इसके डायमेंशन हैं जिनको दे यूज करते हुए ये बनाया गया है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, जो भी फाइनेंशियल सर्विस हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते क्या हैं, वित्तीय उत्पाद जिन्हें आप बोल सकते हैं या फिर वित्तीय सेवाएं। देखो, फाइनेंस मतलब कि पैसों से रिलेटेड जो भी लेन देन होता हो या फिर उसकी जो भी फैसिलिटीज हो, वो सब आ गई है फाइनेंशियल सर्विस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में। जैसे कि कोई भी सेविंग अकाउंट खुलवाना हुआ या फिर जो फॉरेन से रेमिटेंस मिलती है जैसे कि पेंशन बोलते हैं वो हो, या फिर कोई भी इंश्योरेंस जैसी चीज हो गई, बीमा वगैरह करवाना हो या फिर कोई भी पेंशन वगैरह हो, ऐसी जो सारी चीजें हैं ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं। सर्विसेज का मतलब तो होगा क्या होगा, जैसे बीमा हो गई, पेंशन हो गई, ये तो हो गई सर्विसेज। और प्रोडक्ट का मतलब होगा कि सेविंग अकाउंट खुलवाया आपने या फिर रेमिटेंस भेज रहे हो, ये सारी चीजें आती हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट में। तो इनको लेके हमारे देश में क्या हालात है, इसको लेके अभी ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ये जारी किया गया है। देखो, आपको पता है गवर्नमेंट ने काफी टाइम पहले जनधन आधार मोबाइल योजना चलाई थी, JAM के नाम से काफी पॉपुलर हुई थी। तो उसका मेन मोटो क्या था, उसका मेन मोटो यही था कि भाई हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल सर्विस है वो किस लेवल पे प्रोवाइड करवाई जा रही है, उनको और ज्यादा बूस्ट वो किया जा सके ताकि आम लोगों की पहुंच है वो हो सके। क्योंकि देखो, हो क्या हो रहा था कि रूरल एरिया के अंदर बैंकों वगैरह की कनेक्टिविटी नहीं थी, जिससे रूरल एरिया का बहुत बड़ा भाग है हमारे देश का जो कि मैक्सिमम गांव में रहता है, वो एक्चुअली बैंकों या फाइनेंशियल सर्विसेज से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। और इसीलिए गवर्नमेंट ने जनधन आधार मोबाइल योजना चलाई थी और अभी डिजिटल अभियान भी चलाया जा रहा है। उनका सबका मेन मोटो यही है कि हमारे देश के अंदर जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट वगैरह है इनकी पहुंच आम आदमी तक होनी चाहिए और उनकी क्वालिटी भी मिले, इसी के लिए बेसिकली गवर्नमेंट मशक्कत है वो कर रही है। तो अभी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी किया गया है ये बेसिकली तीन डायमेंशंस या बोल सकते हो कि तीन इसके मेजरमेंट है उनके आधार पर पब्लिश किया गया है। कौन कौन से हैं वो हम एक बार देखते हैं। एक तो है कि वो जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनकी पहुंच कैसी है, मतलब कि वित्तीय सेवाओं की पहुंच है वो लोगों तक कैसी है, इसको लेके एक मेजरमेंट फोकस किया गया है। दूसरा मेजरमेंट ये है कि जो भी फाइनेंशियल सर्विस है उनका यूज आखिर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब देखो, जैसे गवर्नमेंट ने गांव में बैंक तो खोल दिया तो लोगों तक पहुंच तो हो गई, बट ऐसा नहीं होना चाहिए लोग उसको यूज ही ना करें, मतलब उसका यूज भी तो होना चाहिए ना, तो उसके ऊपर फोकस करता है। और तीसरा है कि वही फाइनेंशियल सर्विस आप दे तो रहे हो, जैसे कि आप इंश्योरेंस दे रहे हो, बीमा दे रहे हो, पेंशन वगैरह चीजें दे तो रहे हो, बट उनकी क्वालिटी कैसी है। ऐसा नहीं हो कि कस्टमर सुबह जाए और बेचारा 2 दिन तक बैंकों में बैठा रहे या फिर मतलब ब्रांचों में बैठा है तब जाके उसको सॉल्यूशंस वगैरह मिल रहे हैं, बहाने बनाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी वाली चीजें मिलनी चाहिए। इसके लिए बेसिकली तीन पैरामीटर को यूज करते हुए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी कि वित्तीय समावेशन सूचकांक है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड सर्विस जो क्या है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, उसके द्वारा अभी पब्लिश है वो किया गया है। अब थोड़े इसके फायदे भी देख लेते हैं। इसके फायदे देखो, एक तो ये होंगे कि हमारे देश ने G20 के अंदर जो भी वादे किए थे या G20 के अंदर जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंडिकेटर्स थे उनकी जो गाइडलाइंस थी उनको फुलफिल करेगा, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा। इसके साथ ही जो मैक्रो इकोनॉमी है उसकी स्टडी करने में भी काफी बेनिफिट है वो होगा। अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड है कि मैक्रो इकोनॉमी, काफी बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है और माइक्रो इकोनॉमी क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैक्रो इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि मोटी मोटी इकोनॉमी आप एक तरीके से समझ सकते हो, मतलब कि हमारे देश की GDP कैसी है, इसके साथ ही हमारे देश के बैंकों की हालत कैसी है, ये सारी चीजें आ जाती है ना, मतलब बड़े लेवल पे इनको तो बोल देते हैं आप मैक्रो इकोनॉमी, कि ऑल ओवर हमारे जो इकोनॉमिक्स है जिसे हम एग्जाम में पढ़ते हैं वो हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमी ही काम की होती है, क्योंकि UPSC में सारी चीजें जो भी पूछी जाती है वो मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड है। बात करें माइक्रो इकोनॉमी, देखो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब बहुत ही बारीकी से जो इकोनॉमी है उसकी बात की जा रही है, तो वो होगी कि भाई पर्टिकुलर किसी एरिया से रिलेटेड। जैसे आप ये समझ सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होगा एक तरीके से किसी पर्टिकुलर एरिया में ही PhD करना या किसी पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी करना, जैसे किसी कंपनी की इकोनॉमी है उसके बारे में स्टडी करना, उसके डाटा को स्टडी करना, वो सारा जाएगा माइक्रो इकोनॉमी में। माइक्रो मतलब होगा बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे किसी एक ही पॉइंट पे स्टडी करना, तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट। तो ऐसे आप इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है वो कर सकते हो। इसके साथ ही बात की जाती है कि हमारे देश के अंदर जो भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनको भी यूज किया गया है कि भाई डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज कैसी दी जा रही है, इन सब डाटा को यूज करते हुए हमारे देश में काफी कुछ जो बेनिफिट्स हैं लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे,
तो उसी के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक है, वो भी पब्लिश किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट को लेके। कुलिनरी का मतलब देखो बेसिकली ये होता है आर्ट ऑफ कुकिंग, मतलब जो पाक इंस्टीट्यूट आप उससे बोलते हो, पाकशाला जिसे कहते हैं, खाना बनाने की जो भोजन कला होती है उसको लेके, उसको बोला जाता है बेसिकली कुलिनरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी इंडिया का जो पहला कुलिनरी इंस्टीट्यूट है तिरुपति में खोला गया है, आंध्र प्रदेश में, जो कि बेसिकली है टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा प्रमोट है वो किया जा रहा है। तो ये फैक्ट थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं है, ये बेसिकली टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा एक प्रमोटेड तौर पर यूज इसको किया जा रहा है। अब ये इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट है वो काम क्या करेगा, इसका देखो काम ये है कि भारत में जो भी व्यंजन या भारत की जो भी डिशेज हैं उनको एक तो कंजर्व करना, क्योंकि अभी देखो भारत की भी काफी डिशेज फेमस हैं, जिसके हर एरिया के अंदर कोई ना कोई एरिया में अपनी डिशेज हैं वो फेमस होती हैं। तो उन डिशेज को एक्चुअली कंजर्व करना और वहाँ के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो तैयार करना, इसके साथ ही जो प्रचार प्रसार करने के जो भी मेथड्स यूज किए जा रहे हैं उनको सपोर्ट देने के लिए ऑफिशियल इंस्टीट्यूट तो होना ही चाहिए ना, और उसी तौर पे इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट है उसको निर्माण है वो किया गया, ताकि एक ऑथोराइज इंस्टीट्यूट हो और उसकी हेल्प से हमारे देश के जो भी फूड प्रोडक्ट हैं, व्यंजन वगैरह हैं, इनको कंजर्व किया जा सके। इसके साथ ही देखो हमारे देश में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली खाने के अंदर भी डाइवर्सिटी होती है, तो उसी जो खाने की डाइवर्सिटी के अंदर अलग अलग एरियाज में अलग अलग कुक हैं, जो चीफ होते हैं वो काफी फेमस होते हैं, तो उनके जो अलग अलग एरिया के विशेषज्ञ होंगे उनकी डिमांड को पूरी करना है। इसके साथ ही टूरिज्म के जो प्रोडक्ट हैं उनको भी सपोर्ट करना है, क्योंकि देखो फूड इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं टूरिज्म में अपना काफी अहम रोल निभाती है, लोग फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और टूरिज्म में भी एक अहम रोल उसका बन जाता है। इसके साथ ही हमारे देश में जो भी कुलिनरी इंस्टीट्यूट हो गए, मतलब जो भी खाना बनाने से संबंधित काम करवाते हैं या फिर डिग्री वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए एक ऑथोराइज डिग्री है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, वो डिग्री इसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ ही कुलिनरी या पाक कला के अंदर नई रिसर्च हो सके, नया इनोवेशन हो सके, उस पर फोकस है वो बेसिकली इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाएगा। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली यही बन जाता है बेसिकली कि इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे ओपन किया गया है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि इंडियन कुलिनरी जो इंस्टीट्यूट है वो तिरुपति आंध्र प्रदेश में ओपन है वो किया गया है, और टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा बेसिकली से प्रमोट है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे देश में जो इंडियन क्विजिन्स होते हैं उनका फॉर्मल एजुकेशन वो दी जाएगी, मतलब कि जो भी एक तरह से खाना बनाने वाले लोग हैं उनको क्या है एक तरीके का आप बोल सकते हो कि एजुकेशन उनको सपोर्ट दिया जाएगा, उनको एजुकेशन दी जाएगी कि आप इस तरीके से इंडियन फूड है उसको प्रमोट कर सकते हो, इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो इसके बारे में फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दी। बाकी देखो नीचे वाले पॉइंट्स पर कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता है, बस क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर यही चांसेस हैं, इसके भी बहुत ही कम चांसेस हैं कि इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट वगैरह के बारे में, बट फिर भी पीआईबी में आया था तो इसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड है वो कर लिया है। नेक्स्ट आया है अमृत के बारे में, मिशन अमृत को भी चला था उसको लेके बात यहाँ पे की जा रही है। जैसा कि देखो हमने कल डिस्कस किया था, अभी एक्चुअली लिविंग इंडेक्स है, इज ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो पब्लिश किया गया था, उसमें अमृत मिशन की गाइडलाइंस या अमृत मिशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको यूज करते हुए पब्लिश किया गया था। तो लिविंग इंडेक्स में हमने कल देखा था कि देखो जो पहला लिविंग इंडेक्स है इंडिया में वो 2018 जनवरी में पब्लिश किया गया था, उसमें 111 सिटीज शामिल हुई थी, और अभी रिसेंटली जो सेकंड एडिशन इसका आया है उसमें 116 सिटीज में पार्टिसिपेट किया है, और उसमें एक्चुअली हमने बात की थी कि आंध्र प्रदेश हुआ है, उड़ीसा हुआ है, और इसके बाद में मध्य प्रदेश है, इनकी रैंकिंग काफी अच्छी रही है। तो ये कुछ थे। अब देखो बात ऐसी है, इसके अंदर देखो जो हमने डिस्कस किया था कि ईच ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो बेसिकली चार पैरामीटर्स को यूज करते हुए पब्लिश किया गया है, तो उसमें कौन कौन से थे। पहला पैरामीटर था वो था इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, मतलब हमारे देश में जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी गवर्नेंस कैसी है, सीधी सी बात यह है कि जो प्रशासन कैसा है। अब देखो जो इसमें 116 सिटी पार्टिसिपेट किया है ना, उन सिटीज के की बात यहाँ पे की जा रही है, मतलब जो 116 सिटी है इसमें हर सिटी की गवर्नेंस देखी गई है, हर सिटी का सोशल इंडिकेटर देखा गया है, हर सिटी के इकोनॉमिक्स इंडिकेटर देखे गए हैं, और हर सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल सकते हो या फिर फिजिकल इंडिकेटर्स को फोकस किया गया है। अब इनका वेटेज क्या है इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, देखो काफी डीपली क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि जो इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस है, मतलब उस सिटी के अंदर प्रशासन कैसा काम कर रहा है, उसको 25 का वेटेज दिया गया, मतलब 25 अंक का वेटेज दिया गया है। फिर 25 अंक का जो वेटेज है वो दिया गया सोशल इंडिकेटर की, वहाँ पे हेल्थ कैसी है, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर के कैसा काम किया जा रहा है, मतलब सोशल इंडिकेटर इंश्योरेंस जैसी चीजें इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसके बाद में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनको केवल 5 ही मार्क है वो यहाँ पे दिए गए हैं कि लोगों को जॉब वगैरह कैसी मिल रही है, इसको 5 पॉइंट दिया गया है। और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर ले सकते हो या फिर जो पॉपुलेशन हो गई, पोल्यूशन वगैरह हो गया, इनको कंट्रोल करना हो, इसको वेटेज दिया गया है 45, क्योंकि ये हर सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई सिटी है तो उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, वहाँ पे ड्रेनेज कैसा है,
वहां पे पोल्यूशन से कैसे निपटा जा रहा है, तो इसको दिया गया 45। तो ऐसे कुल मिला के कितने हो गए, ये हो गए 100। तो इन 100 के आधार पे रैंकिंग जो मतलब वेटेज है वो तैयार किया जाता है, और फिर रैंकिंग दी जाती है कि 100 में से कौन सी सिटी को कितने मार्क्स मिले, कौन सी सिटी को कितने मार्क्स मिले। तो ये हमें ध्यान रखना कि कौन कौन से चार पैरामीटर हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, और सबसे कम वेटेज है वो है इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनका। अब हम देखते हैं कि जो मिशन अमूर्त था वो था क्या। देखो बेसिकली गवर्नमेंट का एक पुराना मिशन था जिसका नाम था JNNURM, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। सॉरी, जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन आया था, इसी को अपग्रेड करते हुए आप बोल सकते हो कि इसी का नया जो रूप है वो आया था मिशन अमूर्त। तो अब इसमें हुआ क्या, गवर्नमेंट ने इसमें काफी चेंजेस किए, और इसका देखो मेन मोटो ये था कि हमारे देश के अंदर लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज मिल रही हैं, मतलब कि जो मूलभूत आवश्यकता होगी आज के टाइम की, जैसे कि पीने का पानी हो गया, सीवरेज लाइन होगी, ड्रेनेज हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ग्रीन जो पीस एरिया होगा जैसे कि पार्क वगैरह हो गए, इनकी बात की जा रही है। इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इनके ऊपर कैसा फोकस किया जा रहा है, ये कैसी है, इनको और ज्यादा बढ़ाया जा सके, मतलब हमारे देश के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं होगी, पानी हो गया, ड्रेनेज जैसी चीजें, इनको डेवलप करना ही बेसिकली मिशन अमृत के अंदर अहम पार्ट है वो था। अब हमारे देश में लगभग 500 से ज्यादा सिटीज हैं जहाँ पे लगभग 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, और वहां पे इस स्कीम को या आप बोल सकते हो कि इस मिशन को अंजाम है वो दिया जा रहा है। मतलब वो सिटी जिसमें पॉपुलेशन 1 लाख 1 लाख से ज्यादा है वहां पे मिशन अमूर्त वो बेसिकली काम है वो कर रहा है। और इसमें इस चीज पे फोकस किया गया है कि देखो जिस भी स्टेट ने अच्छा काम किया और जिस भी सिटी ने अच्छा काम किया, जैसे कि मान लो कि आंध्र प्रदेश ने इस बार काफी अच्छा काम किया है, तो आंध्र प्रदेश का जो लास्ट ईयर का जो बजट था ना, जैसे लास्ट ईयर मान लो कि आंध्र प्रदेश को मिले 50 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए मिले थे, तो उस 50,000 करोड़ का 10% है वो इस बार उन्हें एक तरीके से इंसेंटिव के तौर पर या प्रोत्साहन के तौर पर एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि वो और अच्छा काम है वो कर सके। इसके साथ इसमें एक ये प्रावधान किया गया है कि वो सिटी जहां पे 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, मतलब वहां पे 10 लाख तक लोग रह रहे हैं, तो उसमें जो 50% पैसा है इस कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, चाहे सीवरेज लाइन हो, कुछ भी हो, मिशन अमूर्त के तहत वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और 10 लाख से अगर ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है तो उसमें 1/3 जो हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी 2/3 हिस्सा है वो वहाँ की गवर्नमेंट है वो खुद वहन है वो करेगी। तो ये कुछ मिशन अमूर्त को लेकर कुछ पॉइंट्स थे जिसपे यूपीएससी बेसिकली क्वेश्चन है वो पूछ सकती है, तो इन फैक्ट्स को हमें ध्यान में रखना है क्योंकि दो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है वो बन जाते हैं, और यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी बने रहते हैं मिशन अमूर्त के बारे में। अब चलो आपसे एक क्वेश्चन आज का, थोड़ा ध्यान से सुनना और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना। आपको दो स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और जो स्टेटमेंट गलत है उसको आपको क्लेरिफाई भी करना है कि ये गलत इसलिए है और इसमें ये मतलब त्रुटि है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जोनल काउंसिल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब एक संवैधानिक बॉडी है। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि जो जोनल काउंसिल होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि हमारे देश में 5 जोनल काउंसिल हैं वो कार्यरत हैं वर्तमान में। तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो एक पोर्टल को लेकर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक पोर्टल है वो जारी है भी किया गया है जिसका नाम है PSBLoansIn59Minutes.com, आप ये देख सकते हो। देखो ये बेसिकली इसलिए बनाया गया ये पोर्टल क्योंकि हमारे देश के अंदर जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं इनको लोन मिलने में काफी दिक्कत आती है, वो बैंकों के चक्कर काटते रहते हैं और उनको लोन टाइम पे नहीं मिल पाता है, और इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव लिया गया है कि भाई जो भी एमएसएमई सेक्टर है उनको 1 करोड़ तक का लोन चाहिए, मतलब 1 करोड़ से कम तक का लोन जिनको चाहिए वो लोग बेसिकली या वो इंस्टीट्यूट है वो PSBLoansIn59Minutes.com जो वेबसाइट है यहाँ से जाके डायरेक्टली लोन है वो ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये यह कि 59 मिनट के अंदर अंदर लोन है वो वहाँ पे पास है, अप्रूव है, वो हो जाएगा। 1 घंटे से कम टाइम के बीच में अप्रूवल देने के लिए बेसिकली इनिशिएटिव है वो स्टार्ट है वो किया गया है, तो ये आपको ध्यान है वो रखना है। इसमें क्या फायदा क्या होगा, एक तो देखो जो भी इंस्टीट्यूट है या आप बोल सकते हो कि जो भी एमएसएमई सेक्टर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उनको बैंकों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, अदरवाइज उनको मंडे आओ ट्यूजडे आओ वाला बहाना वो नहीं चलेगा। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर को इजीली लोन मिल जाएगा, और हमारे देश के अंदर जो मैक्सिमम जॉब मिलती है लोगों को वो मिलती है एमएसएमई सेक्टर में, तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और लोगों को जॉब है वो इम्प्लॉयमेंट है वो भी मिलेगा। इसमें 1 करोड़ तक का लोन है वो दिया जाएगा, और ये लोन दिया जाएगा बेसिकली सिडबी और पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है 5 उन बैंकों के द्वारा। सिडबी क्या है, सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये आपको ध्यान है
वो रखना है कि सिड भी है, वो बेसिकली ये काम है वो करती है, इनको लोन है वो प्रोवाइड करेगी 1,01,00,000 रुपये तक का। ये आपको ध्यान भी यहाँ पे रखना है कि 1 करोड़ तक का लोन है वो बेसिकली इनको दिया जाएगा। एक इसका देखो बेनिफिट क्या होगा, अगर 59 मिनट में लोन दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सीधी सीधी सी बात यह है कि जो भी बैंक के ऑफिसर्स हैं जो कि वहाँ पे लोन वगैरह के लिए काम करते हैं, उनको एक तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक पार्ट है वो बना दिया गया है। मतलब उन पे भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी पावर दे दी गई है कि वो लोन को अप्रूव वगैरह कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारे देश में नेपोटिज्म सी चीजें भी हैं वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट है उसको डायरेक्टली जाने की विजिट करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑनलाइन अप्लाई करो वहां से उनको लोन को अप्रूव हो जाएगा। कुछ पैरामीटर्स हैं उनका यूज किया जाएगा, जैसे तो जीएसटी डाटा कैसा है उसको एनालिसिस किया जाएगा, बैंक स्टेटमेंट है उनको देखा जाएगा, आईटी रीजंस कहती हैं, इन सब की स्टडी करके जो भी ऑफिसर्स होंगे लोन ऑफिसर्स वो एक्चुअली लोन को प्रोसेस है वो करेंगे। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी और काफी बेनिफिट मिलेंगे। तो ये कुछ इनिशिएटिव है वो लिया गया है, तो इसे मेंस के आंसर राइटिंग में भी हम यूज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है पराक्रम पर्व को लेके। देखो अभी पराक्रम पर्व है वो बेसिकली इन स्टार्ट है, वो किया जा रहा है कहाँ से, 28 से 30 सितंबर के बीच में है। क्या पराक्रम पर्व वो देखते हैं। देखो आपको पता है कि जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे बोलते हैं भारतीय सशस्त्र सेना नियंत्रण रेखा, वहां पे आपको पता है काफी एक तरीके से अस्थिरता बनी हुई है 2-3 सालों से, वो लगातार वहां पे अटैक हो रहे थे। तो पिछले साल आपको पता है कि इंडियन जो आर्मी थी उसके द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम है वो दिया गया था, मतलब LOC के ऊपर जो भी हमले हो रहे थे उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई है वो की गई थी। तो उसी की जो सेकेंड सालगिरह है उसी उपलक्ष्य में पराक्रम पर्व है वो मनाया जा रहा है। तो एक पराक्रम पर्व तो लास्ट साल मनाया गया था और एक पराक्रम पर्व इस साल मनाया जा रहा है, अभी ये सेकेंड एडिशन उसका है। इसमें होगा क्या कि जो भी हमारे देश के जवान थे जो कि जिन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और अपना बलिदान दिया और मतलब देश की रक्षा की है, उन सबको एक्चुअली यहाँ पे मतलब याद किया जाएगा, उनके लिए एक प्रदर्शनी वगैरह वो आयोजित की जाएगी। हमारे देश में जगह जगह पे प्रदर्शनी वगैरह आयोजित है वो की जाएगी। तो हमें ध्यान में रखना कि पराक्रम पर्व है वो किससे रिलेटेड है। अब देखते हैं, हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ये थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। सबसे पहले हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में जाना, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड सर्विस जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके द्वारा एक इनिशिएटिव के तौर पे स्टार्ट किया गया है। उसका मेन मोटो यही है कि हमारे देश के अंदर जो भी फाइनेंशियल सर्विस और प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि सेविंग अकाउंट, पेंशन जैसी चीजें, ये किस तरीके से काम कर रही है और इनको और अच्छे सॉरी और अच्छे ढंग से इनको प्रमोट है वो किया जा सके। इसके साथ ही हमने इंडियन क्लोनरी इंस्टीट्यूट के बारे में जाना, जो कि ये भी तिरुपति आंध्र प्रदेश में ओपन है वो किया गया है। इसके साथ ही हमने मिशन अमृत के बारे में जाना, जो कि एक पुराना मिशन था जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। तो आपको देखो एक ये भी ध्यान रखना है कि जो भी एक देखो कोई मिशन है, अगर वो पुराने मिशन को चेंज करके बनाया गया है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसी इस मिशन का मतलब एक तरीके से नया एडिशन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसे हमने कल भी डिस्कस किया था और आज भी किया, वो आपको ध्यान रखना है। अमृत मिशन के जो पॉइंट्स हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है कि क्या क्या इसके बेसिकली गाइडलाइंस हैं। इसके साथ ही PSPLoansIn59Minutes.com के बारे में हमने जाना, जो कि हमारे देश के MSME सेक्टर को लोन प्रोवाइड करवाने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है। और हमने पराक्रम पर्व के बारे में जाना कि LOC पर जो अटैक हो रहे थे उनके खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई की गई थी, तो उसकी सेकेंड सालगिरह के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।